हाय, मैं हूं मनीष शर्मा। क्राइम पेट्रोल के और एपिसोड्स के लिए सेट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। चाह कुछ करने की, कुछ बनने की, सुनहरे भविष्य की, प्यार भरे जीवन की। चाह एक ऐसा शब्द है जो सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी। चाह अगर सकारात्मक है तो ये जीवन को नई राह दिखाती है, उसे खुशियों से भर देती है, पर अगर नहीं तो ये जीवन को तबाह भी कर सकती है। इंसान उसे पाने की जिद में ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी तबाह कर देता है। आज का ये केस भी ऐसी ही चाह से जुड़ा है जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी, सुखी और संपन्न परिवारों को जलाकर राख कर दिया। देविका, तुमसे बिछड़ने का दिल तो नहीं करता, पर क्या करें, फेयरवेल भी रस्म है, निभानी तो पड़ेगी। देविका, तुम इतनी अच्छी जॉब छोड़कर नोएडा शिफ्ट क्यों हो रही हो? मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती नाथी, मुझे अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर चलना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, हमसे दूर जा रही हो पर दिल से कभी दूर नहीं होगी। कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर करना। पक्का। रिया, ये क्या कर रही हो? सामान क्यों फाड़ रही हो? आपने मेरे सामान को हाथ भी कैसे लगाया मम्मा? मुझे बच्ची समझा आपने? रिया, बिहेव। क्या बात है देविका, क्यों डांट रही हो बच्ची को? बच्ची ये बोल रही है कि अब बच्ची नहीं रही। आप ज्यादा बोलो मत मम्मा, मुझे सिर्फ इतना बताओ मैंने नया टेडी कहाँ रखा है। रिया। अच्छा बेटा, नया टेडी वो तो ऊपर रखा हुआ है, जा ले ले जा। क्या बात है? मनीष, हम नोएडा तो शिफ्ट हो जाएंगे, बट डू यू रियली फील रिया वहां ये बदतमीजी बंद कर देगी? क्यों, तुम्हें अपनी माँ और बहन पे भरोसा नहीं है? कैसी हो माँ? खुश रहो। खुश रहो। ट्रक पीछे से आ रही है, 2 घंटे लेट है, वो डायरेक्ट अपने नए घर में जाएगी। अच्छा अच्छा, तब तक सामान निकालो। सामान निकालो, अंदर चल। पता है विद्या मौसी ने तो तेरे लिए स्कूल भी सेलेक्ट कर लिया है, नोएडा का बेस्ट स्कूल है। वाओ ग्रेट, विद्या मौसी इज द बेस्ट। और नानी मासी नहीं दिख रही, कब आएंगी? मार्केट गई है, आती ही होगी। ये अरे रिया, हाथ नहीं धोए तो कम से कम सेब धो लेती। वेलकम एवरीबॉडी, विद्या मौसी। ये देखो रिया, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच मासी। इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर क्यों इसे बिगाड़ रही हो? कम ऑन दीदी, ये देखो, मैं तो आपके पति को बिगाड़ने का सामान भी लाई हूँ। दिस इज फॉर यू जीजा जी। अरे वाह, थैंक यू। कम ऑन दीदी, अब खुशी के मौके पर मुंह मत बनाओ। वैसे ये देखो, आपके लिए भी कुछ लाई हूँ। जिसने भी इन दोनों को जलाया होगा उसके दिल में इन दोनों के लिए बहुत ही गहरी नफरत रही होगी। इतनी गहरी नफरत कि उस नफरत की आग में दोनों को जलाकर स्वाह कर दी। इसकी वजह से मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई, इसका भी यही हश होना था। पुलिस की आंखों के सामने था एक खौफनाक मंजर। इतनी बर्बरता, इतनी अमानवीय तरीके से हत्या की गई थी कि पुलिस के लिए भी यह दृश्य बचाना आसान नहीं था। और दीवारों पर लिखे हुए अनेक शब्द पुलिस के लिए चुनौती थे, लीड थी, या फिर उन्हें मिसलीड करने की कोई कोशिश। मैम, हमको नहीं मालूम ये आदमी और औरत कौन है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये दोनों इस घर में नहीं रहते थे? मैम,
मैम ये घर तो सालों से बंद था, हम तो खुद हैरान है कि यहाँ लाशें कैसे पड़ी हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि ये घर सालों से बंद है, लेकिन यहाँ का सामान देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ सिर्फ आदमी औरत ही नहीं बल्कि कोई बच्चा भी रहता होगा। मैम हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, और वैसे भी घर हमारी कॉलोनी से बहुत दूर है। अब यहाँ पे कौन आया, कब आया, कैसे आया, मैम इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। कमाल, पूरे मोहल्ले में कोई नहीं जानता यहाँ कौन रहता था। सर मुझे तो लग रहा है ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। पूरा मोहल्ला कुछ क्यों छुपाएगा, पता करो। सभी थानों में इंफॉर्मेशन भेज दी गई। सर नरेश सहगल ब्रोकर है, इसी ने वो घर किराए पे दिलवाया था। किसे दिलवाया था? सर वो एक सिंगल मदर थी सर, अपने इन्फेंट बच्ची के साथ आई थी सर। उस सिंगल मदर का कुछ नाम तो होगा। नाम सर? हाँ देविका जायसवाल सर। मैडम एक नंबर प्रॉपर्टी है यहाँ, इतना शांत माहौल कहीं और नहीं मिलेगा इस इलाके में, और फिर बच्चे के सोने उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ। सर देविका को वो मकान देखते ही पसंद आ गया था सर, और सर 3 महीने से अपनी बच्ची के साथ वहाँ रहने भी लगी थी। और मोहल्ले वाले तो बोल रहे वहाँ कोई नहीं रहता था। रेंट एग्रीमेंट है तुम्हारे पास? सर वो रेंट एग्रीमेंट होने ही वाला था सर, लेकिन मकान मालिक को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था इस वजह से। मकान मालिक कौन है? विक्रांत पाठक सर, दिल्ली में रहता है सर। उस मकान का पूरा जिम्मा उसने मेरे ही हाथ में सौंप रखा है, भले ही रेंट एग्रीमेंट ना हुआ हो सर, लेकिन देविका ने 11 महीने का एडवांस रेंट और डिपॉजिट का चेक मुझे दे दिया था सर, जिसमें से मैंने डिपॉजिट का चेक और 3 महीने का रेंट सर मकान मालिक के अकाउंट में जमा कर दिया सर। देखो ऐसा है, उस घर में हमें कोई बच्चा तो नहीं मिला, मामला सीरियस है, समझ रहे हो तुम? तो ये बताओ देविका के साथ हमें जिस आदमी की लाश मिली वो आदमी कौन था, और उसका देविका के साथ क्या रिश्ता था? सर मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम सर, जब से मैंने देविका को पोजीशन दिया मैं वहाँ गया भी नहीं सर। देविका का फ़ोन नंबर और एड्रेस बताओ। सर फ़ोन नंबर दिया तो था उसने, लेकिन सर फ़ोन फॉर्मेट हो गया। देविका ने जो रेंट के चेक्स दिए थे चेक्स आए तुम्हारे पास? हाँ सर ऑफिस में रखे हैं सर। हमें उनकी ज़ेरॉक्स चाहिए। ठीक है सर। पांडे थैंक यू सर। नज़र रखो इस नरेश पे, और देविका के अकाउंट में जो परमानेंट एड्रेस है वो निकलो। सर हाँ बोलो यादव। मैम ये केदार मिश्रा है, इसी इलाके का है, ये उस घर के बारे में कुछ बता रहा था जहाँ पे उस औरत और मर्द की लाशें मिली। मैम कुछ समय पहले जब मैं उस घर के पास से गुजर रहा था। क्या गाड़ रहे? एक बड़ा सा मोटा सा बोरा था। उस घटना के बाद किसी को उस घर में देखा था, मतलब ये जो मर्द और औरत की लाश मिली है क्या उनमें से किसी को देखा था? नहीं मैडम मैंने उस घटना के बाद किसी को नहीं देखा। अब उस घर में कौन रहने आया, क्या हो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। यही वो जगह है जहाँ केदार ने बोरे को गाड़ते हुए देखा था, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं। तो ये केदार, केदार तूने तो कहा था या तूने मकान मालिक को बोरे में कुछ गाड़ते हुए देखा है, यहाँ से तो बच्चे की लाश मिली है। मैडम मैंने बहुत पहले देखा था। बोल क्या पता है तुझे? मैं सच बता रहा हूँ। ऐसे नहीं बोल रहा। यादव थाने लेकर जाओ, अच्छे से पूछताछ करो। नरेश ने बताया था कि उसने देविका को इस घर में एक बच्चे के साथ रहते हुए देखा था, और अब घर के पीछे ये बच्चे की लाश, और लाश को देखकर लगता है जैसे इसे कल परसों दफनाया गया, क्योंकि लाश अभी सड़ने शुरू ही हुई है। सर केदार भी यही कह रहा है कि उसने मकान मालिक को यहाँ बोरे में कुछ गाड़ते हुए देखा था, ये चक्कर क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस चक्कर का जवाब मकान मालिक पाठक ही देगा, उठाओ उसे। उस घर का मालिक विक्रांत पाठक पुलिस के हाथ लगने से पहले ही फरार हो चुका था। विक्रांत पाठक मुझे जल्द से जल्द अंदर चाहिए। विक्रांत और नरेश ये इन दोनों की मिलीभगत हो सकती है, नरेश पे भी नजर रखो। सर पुलिस विक्रांत को ढूंढने में जुट गई थी, वहीं देविका द्वारा इशू किए गए रेंट चेक्स के जरिए देविका के बैंक अकाउंट की डिटेल सामने आई। सर देविका की बैंक अकाउंट डिटेल्स में उसका मैरिटल स्टेटस मैरिड था।
लेकिन बैंक से उसके पति से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हाँ, परमानेंट एड्रेस जरूर मिला है। लेकिन सर, देविका ब्रोकर नरेश से झूठ क्यों बोलेगी कि वो सिंगल मदर थी? एड्रेस कहाँ का? देविका की लाश? जी, सिर्फ देविका नहीं, उसके पति और बच्ची की लाश भी मिली। ये आप क्या कह रहे हो सर? कल रात ही तो मेरी बात हुई है देविका के पति और बेटी से, और वो लोग यही पास में ही रहते हैं। वो दोनों यहीं रहते हैं, तो देविका उस किराए के घर में क्यों रह रही थी? और वो बच्ची और आदमी कौन था जिसकी लाशें हमें मिली? मुझे ये सब नहीं मालूम। मैं खुद पिछले 2 साल से देविका को ढूंढ रही हूँ। 2 साल से ढूंढ रही? हाँ सर, 2 साल पहले देविका अपने पति और बेटी से झगड़ा करके मायके चली आई थी, और मनीष जब उसको लेने आया। ये कैसी बात कर रही हो तुम देविका? हाँ, मैं तो खुद तुम्हें लेने आया हूँ यहाँ पर। ये सब करके तुम क्या जताना चाहते हो? कि तुम्हें मेरी जरूरत है? सच तो ये है कि तुम में से किसी को मेरी जरूरत नहीं। बेटा, ये क्या बोल रही है? और कहाँ जा रही है तुम? अपने मन की शांति ढूंढने। यहाँ से जाने के बाद देविका ने अपना नंबर बंद कर दिया। हमने ढूंढने की बहुत कोशिश, पर कुछ पता नहीं चला। देविका का पति और बच्ची यहाँ रहते हैं, वहाँ का एड्रेस दीजिए और फोन नंबर भी। क्या बात है? आप यहाँ पर आराम से सो रहे हो और वहाँ मम्मा? आप मम्मा को वापस कब लेकर आ रहे हो? बताओ पापा, मम्मा वापस क्यों नहीं आएगी? शट अप यू। तब यहाँ पर थी तब तो उसकी परवाह नहीं की तुमने, अब मम्मी मम्मी करके मेरा कान खाती रहती है। जा अंदर जा, जा। क्या देविका की लाश? बहुत ही गहरी नफरत निकाली गई। देविका के हाथ पैर बांध कर उसे चूल्हे पर जलाया। वो आदमी और वो बच्ची, ये दोनों कौन हो सकते हैं? सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो 2 साल से नहीं मिला देविका से। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो देविका आपको? देविका आपको तो छोड़कर गई, लेकिन अपनी बच्ची को भी छोड़ गई? सर, दोष मेरा ही है। मैंने गलती ऐसी की थी कि जो देविका मुझे कभी माफ नहीं कर पाई। ये तुम्हारी ब्लेजर से निकले हैं जो तुम परसों अपने आउटडोर ट्रिप पे पहन के गए थे, कॉन्डम्स। देखो देविका, अब तुम कोई झूठी सफाई देने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हारे लिए अच्छी जॉब छोड़ी, यहाँ का छोटी सी नौकरी कर रहे, और यहाँ तुम अय्याशियाँ कर रहे हो। अब बस मैं और यह तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम जाना चाहती हो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारे साथ जाना चाहेगी। सर, मैं देविका को कभी खुश नहीं रख पाया, मिली मी उसके जाने के बाद उसकी कमी का बहुत एहसास हुआ मुझे। मैं एक अरसे से उसे ढूंढ रहा हूँ सर। तो ढूंढ लिया होगा उसे, और ढूंढने के बाद जब देविका को किसी गैर मर्द के साथ देखा होगा तो बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। क्या बोल रहे हो सर आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। तुमने बताया कि देविका कहीं जॉब कर रही थी। जी सर, लेकिन जब वो यहाँ से गई तब वो जॉब भी छोड़ चुकी थी। देविका जहाँ जॉब करती थी वहाँ की डिटेल्स दीजिए। Keep the change. सेठ, सेठ, भगवान के नाम पे कुछ दो ना सेठ। ना, अबे आग। अरे नगीना तू, ए कालू लाली, इधर आओ, इधर आओ। अरे ये क्या है? हट, छी। 10,000 रुपए का शर्ट है। और ये क्या है? हाथी का दांत है, हाथी का दांत। हाथी का दांत? अबे हाथी के छोटे बच्चे का दांत। अच्छा। अबे तेरा नगीना ना अभी किसी की किस्मत का नगीना बन गया है, उसको भी चमका दिया और खुद भी चमक गया। कौन है वो जिसको चमका दिया बे तूने? सर, जिस घर में हमें जली हुई लाशें मिली उस घर के मालिक विक्रांत पाठक का फोन दिल्ली के मुखर्जी नगर में बंद हुआ था, और हमने उसके रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पूछताछ की,
लेकिन कोई क्लू नहीं मिल पाया कि वो छिपा कहाँ पे। मकान मालिक और किराएदार के अलावा पाठक और देविका के बीच में कोई और कनेक्शन? सर फिलहाल ऐसा कोई कनेक्शन सामने नहीं आया, लेकिन देविका के बैंक अकाउंट से कोई ना कोई फोन नंबर तो लिंक होगा। उस नंबर की डिटेल्स निकला, शायद कोई क्लू मिले। और ये मकान मालिक पाठक, इसे हाजिर करो। एक बार ये मकान मालिक हमारे हाथ में आ गया तो हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक देविका और उस आदमी को पहले नशीली दवा देकर बेहोश किया गया। घर से मिले ग्लासेस में फ्रूट जूस के साथ साथ दवा के ट्रेसेस भी मिले। बच्ची की मौत धुएं से सफोकेशन की वजह से हुई। एक मर्द, एक औरत और एक बच्ची, देखने में तो फैमिली लगती है, पर ये फैमिली थी या नहीं थी इसके लिए इन तीनों का डीएनए टेस्ट करवाना हो। पर मारने से पहले इन दोनों को जूस में बेहोशी की दवा पिलाई गई, तो मतलब साफ ये काम किसी जान पहचान वाले का ही है। अब ये जान पहचान वाला या तो देविका की पहचान का होगा। देविका की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं। देविका के नोएडा वाले ऑफिस में चलते हैं। ये हमारे नगीना ने बनवाया है, देखो ये भी कैसा है, पूरे 2 तोले का है और एकदम सच्ची सोने का है। हाँ, तुम्हारी नगीना को लाखों का कोई भीख दे गया है या लॉटरी लगा है? कोई लॉटरी नहीं लगा है, वो तो हमारे नगीने का दिमाग है, उसने बहुत बड़ी जुगत लगाई है। जुगत? हाँ। शांति बहन, हमको भी तो बताओ वो जुगत। किसी को बताना मत, वो ना शहर गया था तो वहाँ पर ये क्या वो कुछ कर रही है? किसी को पता चल गया तो कितना बड़ा आफत आ जाएगा, तेरे को मालूम है क्या? अरे तू ही तो बोला था कि आफत उसको आएगा जिसने तुझको इतना पैसा दिया। जरा उठा उठा के ना तेरे दिमाग में कचरा ही भर गया है माँ, भी अपना मुंह बंद रख, समझी? जो मैं बोलता हूँ वही कर। सर देविका तो 2 साल पहले ही यहाँ से रिजाइन करके चली गई थी, 2 साल से मैं भी उसके कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि उसकी इस तरीके से हत्या हो गई। सर देविका का ही नहीं, एक बच्ची और एक आदमी की लाश भी मिली। क्या देविका का यहाँ किसी के साथ अफेयर था? मैम देविका का किसी से अफेयर हो ही नहीं सकता, वो तो खुद अपने पति से परेशान रहती थी। उसने तुम्हें अपने पति के बारे में कुछ बताया था? देविका का पति गोरखपुर में एक सेल्समैन की नौकरी करता था और 3 साल पहले वो नोएडा में शिफ्ट हुए थे, पर देविका उनके साथ नहीं आना चाहती थी। क्यों? क्योंकि देविका बहुत ही क्वालिफाइड थी मैम, और वो गोरखपुर में एक एयरोस्ट्रेस इंस्टीट्यूट में ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर का जॉब करती थी, लेकिन फैमिली के लिए वो यहाँ आ गई और रिसेप्शनिस्ट का जॉब कर रही थी। लेकिन इतने सब सैक्रिफाइस के बाद भी ना उसका पति उसे इम्पोर्टेंस देता था और ना उसकी बेटी उसे समझती थी। सर उस घर के मालिक विक्रांत पाठक के उसके एक वर्कर के घर में छिपे होने की लीड मिली है। देविका और उसके बच्चे से मैं आज तक नहीं मिला, और फिर अपने किराएदार को मरवा के क्या मिलेगा मुझे? एक चश्मदीद ने उसी घर के पिछले हिस्से में तुझे गड्ढा खोदते हुए देखा। वो तो 3 महीने पुरानी बात है साहब। 3 महीने पहले? तो 3 महीने पहले भी किसी को मारा था? नहीं साहब, किसी इंसान को नहीं, मैंने गड्ढे में अपना मरा हुआ कुत्ता गाड़ा था। कुत्ता? हाँ साहब, वो घर ही मनहूस है साहब, मुझे सस्ता मिला तो मैंने ले तो लिया, इन्वेस्ट कर दिया, सोचा था चलो कम से कम किराया तो आएगा, लेकिन दक्षिण दिशा में मुंह होने के कारण कोई भी किराएदार नहीं आ रहा था। उसके बाद मुझे एक बाबा मिले, उन्होंने सुझाव दिया कि अगर घर की मनहूसियत खत्म करनी है तो अपने किसी वफादार जानवर की बलि देनी होगी। मैंने किसी इंसान को नहीं मारा साहब। तो मैंने यहीं पे गाड़ा था। पता लगा क्या ये वाकई कुत्ते की हड्डी है? ये पाठक हमें घुमा रहा है, और देविका से जुड़े जिन जिन लोगों को पाठक जानता है सबका पता लगा। देविका का बॉस मेहता, उसका पति मनीष, कोई भी हो सकता है। सर देविका के बैंक अकाउंट से जो नंबर लिंक था ये उसके कॉल डिटेल्स है, इसमें कई सारे नंबर शो कर रहे हैं, मैं एक एक नंबर कॉल करके देख रहा हूँ। इसमें से उन नंबर पर फोकस करो जिनसे देविका की ज्यादा बात होती थी। और
डॉक्टर फॉरेंसिक वालों ने बताया कि घर में से मिली हुई हड्डियाँ किसी जानवर की ही थी, इंसान की नहीं। मकान मालिक विक्रांत पाठक का देविका के बॉस या मनीष से कोई कनेक्शन नहीं निकला। लेकिन हाँ सर, मनीष का एक छोटा भाई है नीरज, और घर की दीवार पे भी लिखा हुआ था। तो ये मनीष का छोटा भाई नीरज गायब है? गायब तो नहीं है सर। सर एक मिनट सर, देविका के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर नीरज नाम के लड़के का भी है। ये देखिए, नीरज जायसवाल। मैंने इस नीरज को कॉल भी किया था लेकिन इसने उठाया नहीं। तो तुम उठाओ इस नीरज जायसवाल। सर वैसे मैं हर साल एक नई और महंगी गाड़ी लेता हूँ, तुम्हारी इस पुरानी गाड़ी का ये नंबर प्लेट मुझे बहुत पसंद आया। कितना लेगा? क्या ये नंबर प्लेट का? अरे नंबर प्लेट का नहीं भाई, पूरी गाड़ी का। आपके लिए 3 लाख रुपए। अच्छा अच्छा ठीक है। ए चल चल टेस्ट ड्राइव दे। हाँ हाँ टेस्ट ड्राइव दे, जाओ जाओ। ए भाग रहा है, चल चल पकड़ पकड़ चल चल। ए साला, ए रुक भाई, साला फिर भाग गया। इस बार हाथ लगाना साले की सारी रही से निकाल दूंगा। आओ मनीष के छोटे भाई नीरज, नीरज नहीं सर, सर। निर्लज है तो अपनी भाभी को बेहोश किया, हाथ पैर बांधे और फिर जलाकर मार दिया, उसके बाद दीवार पर लिख कर गया। सर मैंने कुछ नहीं लिखा सर, लिखा तो उन्होंने मेरी किस्मत में कि मैं उनका भाई हूं। किसने? तेरे भाई ने? ये सब तेरे भाई मनीष ने किया? कर भी सकता है सर, उन्हें सिर्फ भाभी से नहीं मुझसे भी प्रॉब्लम थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं भाभी की बात समझता था, तंग आ गई थी भाभी मेरे भाई से। सर मैं तो कहता था भाभी से कि भाभी अगर ऐसा है तो आप छोड़ क्यों नहीं देती उन्हें, आप क्यों सह रही हो ये सब? प्रॉब्लम सिर्फ मनीष में नहीं है नीरज, प्रॉब्लम मेरी बहन में भी है। मैं सिर्फ और सिर्फ रिया के लिए रुकी हूँ, जब वो मुझे समझने लग जाएगी मैं उसे लेके हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन सर रिया को विद्या ने अपने फेवर में कर रखा था पूरी तरीके से, वो विद्या और मेरा भाई मनीष उन दोनों ने मजबूर किया मेरी भाभी को और इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ा सर। तब तो तू ये भी जानता होगा कि देविका कहाँ रहती थी? उन्होंने अपना नया नंबर मुझे दिया था इसलिए कभी कभी मेरी बात हो जाती थी उनसे, लेकिन सर भाभी ने मुझे कभी नहीं बताया कि वो कहाँ रह रही थी। कभी कभी बात होती थी तो बातों बातों में ये तो बताया होगा तेरी भाभी ने कि वो आदमी कौन था जिसके साथ वो रह रही थी। सर मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में सर, और सर आप मुझ पर शक करके गलती कर रहे हैं। ये सब मेरा भाई मनीष और वो भाभी की छोटी बहन विद्या, ये उन दोनों का रचा वो पूरा प्लान है सर। भाभी के जाते उन दोनों ने शादी भी कर ली थी। साली साली रहती तो अच्छा था, साली जब घरवाली बनती है यही कांड होते हैं। तो तुम क्या चाहते थे, बिना किसी रिश्ते के सोती रहती तुम्हारे साथ? तो रिश्ता जोड़ा है तो भुगत। कहती थी रिया की माँ बनूंगी तो सब कुछ संभाल लूंगी, क्या खाक संभाला तुमने? हमारे सर भी फोड़ रही और किस्मत भी। सर उस मनुष्य और विद्या को उठा के लाए। बैठा दराम जैन सर। जी सर ठीक है सर, मैं अपडेट करता हूँ। सर देविका के कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नंबर मिला है जो कंटिन्यूअसली स्विच ऑफ जा रहा है। इसका नंबर है? सुरेश तिवारी। इसका फोन हत्या वाली रात उस घर के एरिया में बंद हुआ जहां से लाशें मिली थी। नंबर कहाँ का है? मेरठ। तुरंत मेरठ निकलो, उठाओ इसे। नहीं नहीं सुरेश जी छोड़ो, नहीं हर्षा, हमारे पास अभी कोई चारा नहीं बचा हर्षा, वो आदमी हमें जीने नहीं देगा, हम उसके टॉर्चर से ऐसे के नहीं, हम इस रस्सी पे लटक कर मर जाएंगे। सुरेश जी मेरी बात तो सुनिए, अगर आप चले गए तो हम दोनों का क्या होगा? हर्षा मुझे पता है कि हमने साथ जीने मरने की कसम खाई थी, लेकिन हम साथ जी नहीं सकते तो कम से कम साथ मर तो सकते हैं। हम नहीं मर सकते। ठीक है सर, आप ऐसे कैसे हमें उठा कर ले आए? जैसे तू लेकर आया अपने साली को अपनी जिंदगी में, जीजा साली से बन गए मियां बीवी, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि नौबत एक दूसरे का सर फोड़ने तक आ गई? I'm sorry mama, मैंने कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, I'm very bad. प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज वापस आ जाओ। हमें फिक्र थी रिया की इसलिए शादी की। रिया की फिक्र का वास्ता देकर अपनी शादी को जस्टिफाई कर रहे? नहीं सर आप गलत सोच रहे हैं,
हमारी शादी से तो दी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखो अब मैं तुम दोनों के बीच में पिसना नहीं चाहती, पर ना ही तमाशा करके घर की इज्जत पे आंच आने देना चाहती। तुझे मनीष पसंद है ना, तू बना ले इन्हें अपना पति, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस प्लीज प्लीज मेरी बेटी रिया का ख्याल रखना। और अचानक से खुद से कहीं चली गई? अचानक से चली गई या तुम दोनों ने इसे जाने के लिए मजबूर कर दी? सर हम मानते हैं कि हमसे भूल जरूर हुई है, और इस आदमी से शादी करके तो मैं भी दीदी की तरह पछता रही हूँ। क्या पछता तो मैं रहा हूँ सर इसे शादी करके, और रिया भी तुम्हें माँ बनाकर कभी खुश नहीं रही, इसने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी सर। जिंदगी तो तुमने हमारी बर्बाद की। चुप, जिस कांड के बारे में पूछ रहा हूँ ना उसके बारे में बात करो। कैसा कांड सर? मैंने कोई कांड नहीं किया सर, मैं तो रिया की खुशी के लिए जेन्युइनली देविका को ढूंढ रहा था। तुम देविका को ढूंढ रहे थे, तुम्हारा छोटा भाई नीरज और लगातार देविका के टच में था। क्या? ए, तेरी नौटंकी तेरे घर पे देख चुका हूँ। बोल, तेरी बीवी देविका के साथ जो आदमी रहता था वो कौन था, और वो बच्ची कौन थी जिसकी लाश हमें मिली? उन दोनों का देविका के साथ क्या ताल्लुक था? क्यों मारा उन दोनों को? क्या आदमी, कौन आदमी, आप क्या बोल रहे सर? मुझे, मैं किसी आदमी को नहीं जानता, और मुझे तो अभी मालूम पड़ा कि मेरा भाई नीरज देविका के टच में था। हाँ सर ये सच बोल रहे हैं, हम लोगों को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। सर मुझे तो लग रहा है अगर ये मनीष और विद्या का गेम है तो इसमें मनीष ने अपने भाई नीरज को फंसाने के लिए प्लान किया होगा और दीवार पे वो सब लिख दिया होगा। लेकिन मनीष अपने छोटे भाई नीरज को क्यों फंसाएगा? क्या उसे ये शक था कि उसके छोटे भाई का उसकी बीवी के साथ? बोलो। सर सुरेश 2 साल से गायब है। What? 2 साल से गायब? हाँ सर, सुरेश यहाँ अपनी पत्नी हर्षा और एक बच्चे के साथ रहता था। हर्षा तो यहाँ नहीं है, पता चला है कि सुरेश मेरठ में जल विभाग में क्लर्क था। अगर ये सुरेश 2 साल से गायब है तो इस सुरेश के नाम पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर से देविका को कॉल कौन करता था? आप फिर से आ गए, आपसे बोला ना जैसे ही आपके पति का पता चलेगा आपको बुला लेंगे। वो शायद नहीं मिलेंगे साहब, उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी। क्या? तुम तो पहले बोल रही थी सुरेश लापता है, अब बोल रही उसने आत्महत्या कर लिया, ये लगा क्या रखा तुमने? साहब एक बात हम आपको पहले बताए नहीं थे, 2 साल पहले ऐसे ही अपने बॉस से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। नहीं नहीं देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपका बॉस आपको तंग करता है तो आप उसकी शिकायत अपने बड़े अफसर से कीजिए, क्यों आप हमको अनाथ करके जाना चाहते हैं? हमारी बात कोई नहीं सुनेगा हर्षा, हमारे बॉस ने सबको अपने खिलाफ कर दिया। कौन बॉस? वो विनायक मिश्रा। हाँ मैडम, सुरेश यहाँ मेरे अंडर में ही काम करता था, लेकिन 2 साल पहले वो अचानक से गायब हो गया। गायब हो गया? कहाँ गायब हो गया? दरअसल सुरेश एक नंबर का करप्ट आदमी था, रिश्वत ले लेके उसने बहुत गबन की, और मुझे तो लगता है वो इसीलिए गायब हुआ है। एक तरफ सुरेश तिवारी का बॉस विनायक मिश्रा पुलिस को यह बता रहा था कि सुरेश जल विभाग में गबन करके पिछले 2 साल से गायब हुआ था, वहीं दूसरी तरफ सुरेश की बीवी हर्षा ने एक दूसरे पुलिस स्टेशन में सुरेश की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की थी और वो ये कह रही थी कि सुरेश ने आत्महत्या कर ली होगी। जल्द ही ये जानकारियां दोनों पुलिस स्टेशन के बीच साझा हो गई। लेकिन जहां आपने इसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी वहां आपने ये भी कहा था कि सुरेश ने आत्महत्या की होगी, तो अगर सुरेश ने आत्महत्या की थी तो ये लाश सुरेश की कैसे हो सकती? हम अपने पति की लाश को पहचानने में धोखा नहीं खा सकते। पर विनायक तो ये कह रहा है कि सुरेश गबन और रिश्वत लेकर भागा। झूठ बोल रहा है वो, वही फंसा रहा था सुरेश जी को। एक काम ढंग से होता नहीं तुमसे। सर पर हमारी गलती क्या है तो बताइए। विनायक बहुत नीचा दिखाता था सुरेश जी को, सारे स्टाफ के बीच में डांट देता। साहब विनायक इसी ताक में रहता था कि कब वो सुरेश जी को काम से निकलवा दे और अपने एक रिश्तेदार को रख ले, और साहब सुरेश जी से एक गलती भी हो गई थी, उसी का फायदा उठा के उनके ऊपर रिश्वत लेने का और गबन का इल्जाम लगा दी। तो सुरेश से आखिर ऐसी क्या गलती हुई थी? साहब इन्होंने आत्महत्या तो नहीं की थी, लेकिन उससे पहले विनायक को एक सुसाइड लेटर मेल कर दिया था। मैडम वो कुछ मरना वरना नहीं चाहता था, वो मुझको ब्लैकमेल करना चाहता था वो ईमेल करके। मैं अपने बॉस विनायक की वजह से आत्महत्या कर लूं? मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा बॉस विनायक है। मैडम उसका ईमेल पढ़ के मैं बहुत डर गया था, और अगले पल देखा वो ऑफिस में था। तुमने ईमेल के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैडम जब से पता लगा वो गायब हो गया है मुझे डर था कि वो ईमेल किसी के हाथ ना लग जाए। डर इसलिए गए थे क्योंकि उसकी हत्या में तुम्हारा हाथ है। मैडम मैं सच कह रहा हूं, उसके साथ एक औरत देविका का भी मर्डर हुआ और इसकी बच्ची का भी,
तुमने किया है ना? मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैं इनको जानता भी नहीं। आप कह रही हैं कि आप इस देविका को नहीं जानते, पर ये दावा कर रही हैं कि इस देविका के साथ हमें जिस आदमी की लाश मिली वो आपके पति सुरेश की लाश। तो अचानक दो साल बाद आप अपने पति की आत्महत्या की खबर देने पुलिस स्टेशन क्यों गए? क्योंकि दो साल से सुरेश जी हमारे संपर्क में थे। वो भागे जरूर थे दो साल पहले विनायक से डर के, लेकिन बीच बीच में चोरी छिपे हमसे मिलने आया करते थे। फिर अचानक से उन्होंने घर आना बंद कर दिया। उन्होंने जो नया नंबर लिया था वो भी बंद आने लगा। बस इतना पता था कि वो यहाँ शहर में कहीं रहते हैं, तो इसलिए उन्हें ढूंढने आ गए। और जब वो नहीं मिले तो उनकी मिसिंग कंप्लेंट लिखा दी हमने। आपके सुरेश जी ने शायद घर आना इसलिए बंद कर दिया होगा क्योंकि सुरेश ने दूसरा घर फंसा लिया था इस देविका के साथ। क्या बात कर रहे हैं साहब आप, वो सपने में भी हमें धोखा देने की नहीं सोच सकते। सर ये औरत दिखने में जितनी सीधी है विनायक उतना ही चालाक है। पहले ये केस देविका से कनेक्टेड लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि ये केस इस सुरेश से भी कनेक्टेड है। सर मैंने चेक किया, सुरेश का बैंक अकाउंट उसी बैंक में था जिसमें देविका का था। इनफैक्ट सुरेश ने एज अ गारंटर किसी नगीना नाम के आदमी का बैंक अकाउंट भी उसी बैंक में खुलवाया था। इस नगीना का इन कत्ल से क्या ताल्लुक है? सर नगीना एक भिखारी था, अचानक से उसके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ गए थे और एक हफ्ते पहले उसका मर्डर हो गया। वो लोग भी हैरान थे कि अचानक एक भिखारी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, और जब उसके बैंक अकाउंट होने की बात पता चली तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। लेकिन इस नगीना का मर्डर किसने किया? सर विनोद नगर पुलिस को भोलू और कालू नाम के आदमियों पर शक है, ये नगीना के साथ भीख मांगते थे। लेकिन सुरेश एक भिखारी का बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए उसका गारंटर क्यों बनेगा, और भिखारी के अकाउंट में इतने सारे पैसे, और दोनों का मर्डर भी हो जाता है। इस नगीना का कोई जान पहचान का है, कोई रिश्तेदार कोई भी? नगीना की माँ शांति कचरा बीनने का काम करती है। हमारे नगीना को भोला और कालू ने मारा और अब हमें यहाँ ले आए। तुम्हें इसलिए लेकर आए कि तुम्हारे बेटे के पास इतने पैसे कहाँ से है जो बैंक में अकाउंट खोला, और पहले उसके अकाउंट में लाखों रुपए रहते थे, अब एक पैसा नहीं, कहाँ गए बोलो। साहब वो सारा पैसा निकाल कर घर में छिपा दिया था। पर पैसे आए कहाँ से थे? वो एक आदमी ने उसे दिया था और उसका खाता भी खुलवाया था साहब। ये था वो आदमी? नहीं साहब, हम नहीं जानते कि वो कौन था, हमारा बेटा ही मिला था उससे। अरे सेठ लोग के पास है ना पैसा छुपाने के लिए जगह नहीं रहता है, इसके लिए मेरे जैसे लोग को ढूंढते। उसने मेरा अकाउंट खुलवाया ताकि अपना काला पैसा सफेद कर सके। लेकिन बेटा सफेद खाने से हमारा क्या फायदा? अरे माँ वो मेरे अकाउंट में पैसा डालेगा, थोड़ा खुद लेगा बाकी अपना। अरे उसने बोला है मुझे नौकरी भी लगाएगा। नगीना का किस्मत बदल गया था, तभी भोला और कालू से चिढ़ते थे इसीलिए मार डाला उसको। आप हमें छोड़ दीजिए और उनको पकड़िए। सर अगर हम नगीना की माँ का भरोसा कर भी ले तो सवाल ये उठता है कि सुरेश नगीना को इतने पैसे दे कैसे सकता है, कहीं उसके रिश्वत और गबन के पैसों की कहानी तो नहीं? लेकिन सुरेश मर चुका है तो मुमकिन है पूरा का पूरा खेल कोई और ही खेल लो, और हमें उस खिलाड़ी को ढूंढना है जिसने सुरेश के जरिए नगीना का बैंक अकाउंट खुलवाया। नगीना मर्डर केस सामने आने के बाद साजिश की कई गहरी परतें नजर आ रही थी, जिनके जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने कल्लू और भोलू की तलाश तेज कर दी, और पुलिस के खबरी नेटवर्क ने जल्द ही कल्लू और भोलू की मौजूदा ठिकाने का पता लगा लिया। हमने नगीना को पैसों के लालच में नहीं मारा, वो कभी ना लाली को अपने साथ लेके चला गया। लाली? कौन लाली? तब मेरी दोस्त, हम सब साथ में भीख मांगा करते थे। एक दिन नगीना वहाँ आया और लाली को पैसों का टसन दिखाने लगा। साहब लाली को उसने हमसे छीन लिया था और पूछने पे भी नहीं बताता था कि वो कहाँ है। नहीं साहब देखो अगर माँ करो नहीं। घर से जो दो जली हुई लाशें मिली इन तीनों की डीएनए रिपोर्ट्स आ गई, बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट्स हैं। हमसे दूर जा रही हो पर दिल से कभी दूर नहीं होगी, कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर करना। अरे
नजरें मत झुकाओ, जो किया वो क्यों किया ये बताओ। मैं तो बस शांति की जिंदगी जीना चाहती थी, पति और बेटी का प्यार चाहती थी, लेकिन किसी ने मुझे नहीं समझा। मैं सबसे तंग आकर चली गई थी, कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ कर सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती थी, और फिर एक दिन जॉब ढूंढते ढूंढते मेरी मुलाकात सुरेश से हुई। हम अच्छे दोस्त बन गए, साथ रहने लगे, लेकिन इसके बारे में मैंने अपने घर वाले से कुछ नहीं कहा। और तुम्हारा देवर नीरज, वो तो लगातार तुम्हारे टच में था। मैं उसके कॉन्टैक्ट में थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि वहां क्या हो रहा था। और जब पता चला कि मनीष ने सच में विद्या से शादी कर ली, तो मैंने भी सुरेश से शादी कर ली। मैं एयर होस्टेसेस को ग्रूमिंग करने के लिए ऑनलाइन टीचिंग का जॉब कर रही थी, अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती थी, लेकिन सुरेश कुछ नहीं कर पा रहा था। उल्टा वो तो मुझसे पैसे लेकर अपनी बीवी को भेजता था, इसलिए उसे छोड़कर अपनी बेटी के साथ उस घर में रहने चली गई। लेकिन वो मुझे ढूंढता हुआ वहां भी आ गया और कहने लगा, देविका ये बेटी मेरी भी है, ये हमारे प्यार की निशानी है देविका, और मैं उस हर्षा से नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम ये सोचो कि मैंने उस हर्षा को छोड़ दिया है। मैंने फिर सुरेश को एक मौका दिया, लेकिन अभी भी उसकी नीयत मेरी कमाई पर ही थी। तुम टेंशन मत लो हर्षा, मैंने सब सेट कर दिया, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर हम वापस साथ रहेंगे। मुझे शक होने लगा कि वो मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, और उस दिन से मैंने उस पर नजर रखना शुरू किया। फिर एक दिन मैंने उसको एक भिखारी के साथ देखा, उसका हूबहू हुलिया अपने जैसा बनवा दिया। मैं उसका सारा प्लान समझ गई थी, वो उस भिखारी को मार के ये साबित करना चाहता था कि वो मेरे साथ मारा गया। सुरेश नगीना को मारना चाहता था? जी सर, पर मैंने उसका ही प्लान उस पर उल्टा चल दिया। फिर मैंने नगीना को पैसे का लालच देकर अपनी कदकाठी की लड़की का इंतजाम करने के लिए कहा, और नगीना भिखारन लाली को तुम्हारे पास लेकर आया। जी आपने अपना नाम नहीं बताया। जी मेरा नाम लालिमा है। अच्छा तुम नहीं ले रही हो? नहीं मैंने अभी खाना खाया। लालिमा पियो ना। पर तुमने दीवार पर वो सब क्यों लिखा था? मुझे नीरज से पहले कभी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जानती थी कि जब आप मनीष के भाई तक पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि ये मनीष की ही चाल है, और मैं मनीष को फंसाना चाहती थी, उसे बर्बाद करना चाहती थी। आज सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारी जिंदगी खुद तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई। कहते हैं जहां चाह होती है वहीं राह होती है, लेकिन जो राह अपराध के द्वारा चुनी जाती है उस राह पर चलकर जिंदगी एक डेड एंड पर जाकर खत्म हो जाती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।